नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपंकर भट्टाचार्य, आपका दोस्त, आपका हम सफर। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मेड इन इंडिया। अगरबत्ती परफ्यूम पे एक प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि परफ्यूम मार्केट से खरीद के लाने के बाद उसमें खुशबू तो अच्छा आता है, लेकिन अगरबत्ती डिपिंग करने के बाद उसमें फैलाव नहीं आता है। अगरबत्ती सूंघने में अच्छा लगता है, लेकिन जलाने के बाद उसमें प्रॉब्लम्स आता है, उसमें फैलाव नहीं आता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये पूछा है कि सर, ऐसा कोई केमिकल का नाम बता दीजिए जो केमिकल हम किसी भी परफ्यूम पे मिला सके और हमारे परफ्यूम पे फैलाव आ जाए। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज का वीडियो है। आज के वीडियो में हम आपके सामने एक फॉर्मूलेशन प्रेजेंट करेंगे, एक बूस्टर मेकिंग फॉर्मूलेशन। अगरबत्ती का परफ्यूम का बूस्टर आप लोग खुद ही तैयार कर सकेंगे इस फॉर्मूलेशन के जरिए। और ये जो बूस्टर, ये जो कंपाउंड तैयार होगा, इसको आप किसी भी परफ्यूम पे यूज कर सकते हैं उसमें फैलाव लाने के लिए। तो चलिए आज का फॉर्मूलेशन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ चीज नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फॉर्मूलेशन को नोट करिएगा। सबसे पहले हम लोग आसान भाषा में डिस्कस करते हैं कि परफ्यूम क्या है। अगरबत्ती का जो परफ्यूम है वो परफ्यूम क्या है। बेसिक नॉलेज के अनुसार अगरबत्ती का जो परफ्यूम है वो है कुछ केमिकल्स का कॉम्बिनेशन, मतलब 4, 5, 6, 7 जो भी हो केमिकल्स को मिला के एक परफ्यूम बनाया जाता है। अब इस दुनिया में कोई भी केमिकल हो, हर केमिकल, वो अच्छा खुशबू देने वाला केमिकल, खराब खुशबू देने वाला केमिकल, हर केमिकल पे दो क्राइटेरिया होता है। एक है उस केमिकल का मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा है उस केमिकल का वेपर प्रेशर। केमिकल का ये जो मॉलिक्यूलर वेट और वेपर प्रेशर है, इन दोनों का रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब जिस केमिकल का मॉलिक्यूलर वेट हाई है वो केमिकल का वेपर प्रेशर कम है, मतलब उस केमिकल का जो खुशबू है, उस केमिकल का खुशबू का फैलाव नहीं आता है, ज्यादा दूर तक उसका खुशबू नहीं फैलता है। और जिस केमिकल का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उसका वेपर प्रेशर हाई होता है, मतलब उस केमिकल का जो खुशबू है उस खुशबू में फैलाव बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि बाय नेचर वो केमिकल हल्का है, उसका वेपर प्रेशर हाई है। तो अभी ये जो बूस्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे कुछ केमिकल्स लेंगे जिस केमिकल्स का वेपर प्रेशर हाई है और मॉलिक्यूलर वेट लो है, और उस केमिकल को मिला के हम एक कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। इस कॉम्बिनेशन में जो टोटल केमिकल का कॉम्बिनेशन बनेगा, उस कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली वेपर प्रेशर हाई होगा। तो इसके वजह से वो कॉम्बिनेशन अगर हम अपने परफ्यूम पे मिला देते हैं तो डेफिनेटली उस परफ्यूम पे फैलाव आ जाएगा। तो यही है बूस्टर। आज ये फॉर्मूलेशन हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। चलिए क्या क्या केमिकल मिलाना है हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट केमिकल फिनाइल इथाइल एल्कोहल 70 ग्राम। नेक्स्ट केमिकल डाइहाइड्रो मर्सिनॉल 80 ग्राम। थर्ड केमिकल बेंजाइल एसीटेट 82 ग्राम। नेक्स्ट आइटम बेंजाइल एल्कोहल 76 ग्राम। नेक्स्ट केमिकल है एल्डिहाइड C9। एल्डिहाइड C9 को नोनानाल के नाम से भी जाना जाता है। एल्डिहाइड C9 हम लोग डालेंगे 90 ग्राम। नेक्स्ट केमिकल एल्डिहाइड C10। एल्डिहाइड C10 को डेकानाल भी बोला जाता है। एल्डिहाइड C10 हम लोग लेंगे 85 ग्राम। नेक्स्ट आइटम एल्डिहाइड C12MNA। एल्डिहाइड C12MNA हम लेंगे 100 ग्राम। नेक्स्ट आइटम है
गैलेक्सो लाइट ऑफ IFF कंपनी, गैलेक्सो लाइट ऑफ IFF 67 ग्राम। नेक्स्ट हम इसमें मिलाएंगे 100 ग्राम DEP ऑयल, और लास्ट में इसमें हम लोग 250 ग्राम वुड बेस मिलाएंगे, वुड बेस लास्ट में 250 ग्राम। ये जो सारे केमिकल का नाम मैंने बताया, ये सारे के सारे केमिकल्स एक साथ मिक्स अप करने के बाद जो कंपोजिशन बनेगा, उस कंपोजिशन का वेपर प्रेशर बहुत ही हाई होगा, और ये जो कंपाउंड है, ये मिश्रण जो है, इस मिश्रण से एक वैक्सी टोन जैसा खुशबू आने लगेगा और उसका फैलाव बहुत ही ज्यादा होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण पे आप जिस परफ्यूम पे फैलाव लाना चाहते हैं, उस परफ्यूम को इस मिश्रण पे आप मिक्स अप करते जाइए। आपको परफ्यूम को कितना देर तक मिक्स अप करना है, जब तक इसमें परफ्यूम मिक्सिंग अप होने के बाद जो कंपोजिशन बनेगा, उसमें आपका जो अपना परफ्यूम है उसी का खुशबू आने लगे तब तक। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो केमिकल मैंने अभी आप लोगों को बताया, इस फॉर्मुलेशन से जो कंपाउंड बनेगा उसका वेपर प्रेशर बहुत हाई होगा, चारों तरफ उसी का ही खुशबू का फैलाव आएगा। आप ऐसे लेके सूंघेंगे तो उसी कंपोजिशन का ही खुशबू आएगा। अभी हम लोगों को क्या करना है, जिस परफ्यूम पे हमारा प्रॉब्लम है, जिस परफ्यूम का फैलाव नहीं हो रहा है, उस परफ्यूम को इस केमिकल के मिश्रण पे डालना है। कितना मात्रा में डालना है वो आपको डिसाइड करना है। आप जब थोड़ा सा अपना परफ्यूम डालेंगे इसमें, उसको सूंघ के देखिए, देखिए ये जो केमिकल का मिश्रण है उसी का ही खुशबू आ रहा है, और थोड़ा डालिए, वो खुशबू कम होके परफ्यूम का और थोड़ा बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा परफ्यूम डालते डालते जिस पोजिशन पे आप देखिएगा कि हाँ, वो जो केमिकल कंपोजिशन का खुशबू है, वैक्सी जो टोन है वो दब गया है, और आपका जो परफ्यूम है उसी का ही खुशबू ऊपर से आ रहा है, बस वहां पे आप परफ्यूम डालना स्टॉप कर दीजिए। अब इस मिश्रण को अच्छी तरीके से स्टीयरिंग करिए, इसको अच्छे से मिलाइए। मिला के इस कंपोजिशन को आप कम से कम 25 से 30 दिन 25 to 30 days इसको ऐसे ही रख दीजिए। उसके बाद इसमें आप DEP ऑयल मिलाइए, इसको ये जो टोटल कंपोजिशन है उसको 1:4, 1:5 एज पर योर बजट इसको आप डाइल्यूट करिए। डाइल्यूट करके 2-3 दिन रखने के बाद अगरबत्ती डिपिंग करके देखिए, वही परफ्यूम जिस परफ्यूम पे आपका फैलाव नहीं आ रहा था, वो परफ्यूम कितना खूबसूरत बन गया है, और उस परफ्यूम का खुशबू का फैलाव कितना दूर तक जा रहा है। इसका कारण ये है कि ये जो मिश्रण हमने बनाया, जिसको हम बूस्टर के नाम से ही जिसका एक्सप्लेन करते हैं, सभी लोग बूस्टर जिसको बोलते हैं, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो इतना हाई है कि वो आपका जो परफ्यूम है, परफ्यूम को लेके ही हवा में बहेगा। तो उस कंपोजिशन के जरिए आपके परफ्यूम पे एक फैलाव आ जाएगा। तो इसी तरीके से ऐसे बूस्टर बना के आप अपने परफ्यूम में अच्छा फैलाव ला सकते हैं।